पता है यार, हम ना बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, फिर हमारे अंदर एक जोश आता है और मन ही मन सोचते हैं कि हम इतना पढ़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जिससे अपनी मंजिल को पा सकें। और जब किताब लेकर बैठते हैं तो हमें उन दोस्तों की याद आती है जिनके साथ हम टाइम स्पेंड किया करते थे। उनकी बातें, हंसी मजाक, टाइम स्पेंड करना, कब दिन बीत जाता था कुछ पता नहीं लगता था। ये सारी बातें हमें उसी टाइम याद आएंगी। जब आप बुक लेके बैठोगे अकेले रूम में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रूम आपको काटने को दौड़ रही है। इतना अकेलापन आपको महसूस होगा कि आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त, ये याद रखना, ये जो खामोशी आज आपको काटने को दौड़ रही है, एक दिन यही मिसाल बनेगी। लोगों को आप बताते फिरोगे कि ये अकेलापन जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे थे, यही सफलता का राज था, यही जो आदतें थी अकेले में बैठ कर पढ़ने की, यही आपको सफल बनाई है। याद रखना दोस्त, संघर्ष में हमेशा व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन सफलता पाने के बाद पूरी दुनिया उनके पीछे होती है। बस दिल और दिमाग में एक चीज बैठा लेना, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। वो कहते हैं ना, कर तू मेहनत एक मोड़ आएगा, कर तू मेहनत एक मोड़ आएगा, लोगों का तो दिन आता है, तेरा दौर आएगा।